पांच ऐसे बेस्ट गेमिंग फोन्स बताता हूँ जिनके अंदर आप BGMI 90 से लेकर 100 FPS तक खेल पाओगे। और ये जितने भी फोन्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको अंडर 30,000 रुपीस में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे लिस्ट में नंबर 5th पे जो फोन है उसका नाम है IQ Neo 7। भाई साहब 30,000 के अंदर ये पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है जिसका एंटूटू स्कोर भाई 12 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें आप BGMI आराम से 90 FPS पे खेल सकते हो। इवन कैमरा सेटअप भी इसका काफी अच्छा है, 50 MP का मेन कैमरा मिल जाएगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो और 16 MP का फ्रंट कैमरा दिया है। साथ ही हमें यहाँ पे एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 5000 mAh की विद 120W फ्लैश चार्जिंग, जिससे आप लोग लंबे समय तक गेमिंग कर पाओगे वो भी नॉनस्टॉप। डिस्प्ले भी काफी अच्छी है इस फोन की, 6.78 इंच की फुल HD+ AMOLED स्क्रीन मिल जाएगी विद 120Hz रिफ्रेश। प्राइस है इस फोन की 28,999। अब हमारे लिस्ट में नंबर 4th पे जो फोन है उसका नाम है इन्फिनिक्स GT20 Pro। G10 Pro तो आपको पता ही है दोस्तों कितना पावरफुल था, 20,000 में प्रोबेबली इट वॉज बेस्ट इन गेमिंग। उसका ही अपग्रेडेड वर्जन GT20 Pro आ चुका है MediaTek Dimensity 8200 अल्टीमेट प्रोसेसर के साथ, जिसका एंटूटू स्कोर भाई 9 लाख से भी ज्यादा है। इसमें BGMI जैसी गेम्स तो आप आराम से स्मूथ प्लस 90 FPS पे खेल पाओगे, बट अगर यहाँ पे गेमिंग करते हो तो आपका फोन हीट करता है तो यहाँ पर आप इन्फिनिक्स का ये साइबर मेका डिजाइन वाला मिनी कूलर यूज कर सकते हो, जिसे आपको पीछे लगाने के लिए एक स्टिकर मिलेगा जिसे फोन के बैक साइड में लगाना है और फिर कूलर को स्टिक कर दो और देख सकते हो भाई आप कितना कूल लग रहा है ये। अब भाई इसे लगाकर गेमिंग करते वक्त आपका फोन बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा और भी बहुत सारे गेमिंग फीचर्स मिल जाते हैं लाइक फोन के पीछे ये RGB लाइट्स जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इन्फिनिक्स यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं देता, बाकी सब चीजें भी इसकी टॉप नॉच रहती है। जैसे यहाँ पर आपको एक फुल HD+ 144Hz वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, कैमरा भी इसका काफी अच्छा है, 108 MP का प्राइमरी, 2 MP मैक्रो एंड फ्रंट साइड में 32 MP का सेल्फी कैमरा, साथ ही एक बड़ी 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। बाकी प्राइस भी इसकी काफी अच्छी है दोस्तों, Amazon पे आपको 25,000 रुपए में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अभी तक जितने भी फोन्स के बारे में मैंने आपको बताया इन सबके बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे चेकआउट करना मत भूलना। अब देखो नंबर 3 पे जो फोन है ना गाइस वो इतना पावरफुल है कि भाई उसके अंदर आप 120 FPS तक गेमिंग कर पाओगे। मैं बात कर रहा हूँ पोको F5 के बारे में, जिसमें स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 का नया प्रोसेसर डाला गया है जिसका एंटूटू बेंचमार्क 9 लाख से भी ज्यादा है। अब ये चिप इतनी ऑप्टिमाइज है कि इस पर आप BGMI 120 FPS पे खेल पाओगे। 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 67W फास्ट चार्जर के साथ ही 64 MP का मेन कैमरा मिल जाएगा OIS के साथ, प्लस यहाँ पे आपको एक 6.67 इंच की AMOLED फुल HD+ 120Hz वाली डिस्प्ले मिलती है। सो 26,000 रुपए की प्राइस भाई ये डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी फोन है। अब नंबर 2 पे जो फोन है भाई उसका नाम है पोको X6 Pro द फ्लैगशिप किलर। जी हाँ दोस्तों देखो अब इस फोन में आप ये मत पूछना कि क्या मिलता है, इस फोन में आप ये पूछो कि क्या नहीं मिलता है। देखो सब कुछ बताता हूँ इस फोन के बारे में आपको मैं, वो भी एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फोन में हमें मिलता है MediaTek Dimensity 8300 अल्ट्रा के चिपसेट जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। और सबसे पहले भाई आप इसका एंटूटू स्कोर देखो, अब देखो 1.4 मिलियन प्लस वाले एंटूटू स्कोर की पावर ऐसी होती है कि भाई BGMI इसके अंदर स्मूथ प्लस 90 FPS पे खेल सकते हो, इवन HDR अल्ट्रा तक भी सपोर्टेड है। और एक कूल फीचर मिल जाता है इस फोन में हमें X-axis लीनियर मोशन का, जिससे गेमिंग एक्सपीरियंस भाई काफी इमर्सिव होने वाला है। साथ ही एक 6.67 इंच की बड़ी AMOLED स्क्रीन मिल जाती है, 120Hz रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजन भी दिया गया है इस फोन में। कैमरास की बात करूं तो 64 MP का मेन कैमरा मिल जाता है OIS के साथ, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा। वैसे ये कुछ फोटोज है जो इस फोन से खींची गई है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 67W टर्बो चार्जिंग के साथ। वैसे प्राइस इस फोन की 28,000 रुपीज, लेकिन ऑफर और बैंक डिस्काउंट के साथ ये आपको 25,000 रुपए में मिल जाएगा। एंड फाइनली गाइस नंबर 1 पे जो फोन है उसका नाम है पोको F6। जी हाँ दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ भाई इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8th Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है और ये पोको X6 Pro से तो भाई काफी ज्यादा पावरफुल है। ऐसा इसलिए बिकॉज X6 Pro का अगर आप एंटूटू स्कोर देखोगे तो वो 1.2 मिलियन है और भाई अगर आप F6 Pro पे नजर मारते हो तो उसका एंटूटू स्कोर भाई 1.5 मिलियन है। भाई सीरियसली ये फोन बना ही गेमिंग के लिए गाइस। BGMI इस फोन के अंदर दोस्तों आप 120 FPS तक खेल पाओगे। जी हाँ दोस्तों मतलब भाई मैं खुद शौक होगा कि यार परफॉर्मेंस इतना पावरफुल है कि एक्सट्रीम प्लस तक का ऑप्शन एनेबल है और इवन BGMI खेलते वक्त यहाँ पे इंटेंस सिचुएशन आ गई तो क्लचेस वगैरह करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई FPS ड्रॉप आपको देखने नहीं मिलेगा इस फोन में। एंड ऑल्सो गाइस इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है 90W टर्बो चार्जिंग के साथ, जिससे आप लंबे समय तक गेमिंग आराम से कर पाओगे। ऑल्सो इस फोन में आपको एक 6.67 इंच की बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, डॉल्बी विजन, HDR10 जैसे फीचर्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे इस फोन में। इवन यहाँ पे आपको 50 MP का कैमरा मिल जाता है सोनी IMX882 के सेंसर के साथ, बाकी 4K वीडियोस भी आराम से शूट कर पाओगे आप। ऑल थ्रू ये फोन 30,000 रुपए का है बट Amazon पे आपको ये 28,599 रुपए मिल जाएगा। बाकी कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि इन दोनों फोन में से आप कौन सा लेना पसंद करोगे। बाकी अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।